गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कीमोथेरेपी। एक्चुअली कीमोथेरेपी के अंदर हमने अपनी एक क्लास जो है वो क्विनोलॉन्स की करी थी। ये क्लास हम एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग की कर रहे हैं, एक एंटीबायोटिक की हमने कर ली थी। तो कीमोथेरेपी में आज की जो क्लास है वो है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। इसके अंदर हम टीबी में जो भी काम में ली जा रही होती है, जैसे डॉट्स जो होता है ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, वो सारी ड्रग्स अपन इसके अंदर आज पढ़ेंगे। टीबी आप जानते हैं कि बहुत ही क्रॉनिक डिज़ीज़ है, बड़ी डिज़ीज़ है, बड़ी फेटल डिज़ीज़ है। हालांकि आजकल इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो चुका है तो ये उतनी फेटल नहीं रही है। एक टाइम पर तो टीबी जिसको हो गया उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता था, पर आजकल डॉट्स जैसी थेरेपी के बाद ऐसी परेशानियां जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। माइकोबैक्टीरिया जो कि टीबी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होता है अधिकतर एंटीबायोटिक्स के लिए। तो अगर आप नॉर्मल एंटीबायोटिक्स टीबी के पेशेंट को दोगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरिया वो बहुत स्लोली ग्रो करता है दूसरे बैक्टीरिया कंपैरिजन में, जबकि एंटीबायोटिक्स जो है वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स के अगेंस्ट में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। दूसरा, ये बैक्टीरिया लिपिड रिच माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल से बना होता है जो कि अधिकतर एजेंट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। तीसरा, ये मैक्रोफाज में भी ग्रो कर जाता है, इतना दुष्ट बैक्टीरिया होता है कि जो मैक्रोफाज अपने सेल की स्केवेंजिंग सेल्स होती है, हमारे बॉडी की साफ़ सफाई करने का काम करती है, कचरे को हटाती है, एंगल्फमेंट करती है, ये मैक्रोफाज जब इस बैक्टीरिया को खा जाती है तो बैक्टीरिया उस मैक्रोफाज के अंदर भी ज़िंदा रह जाता है और उस मैक्रोफाज में दूसरी ड्रग्स जो हैं वो पुअरली पेनिट्रेट होती हैं, तो तब भी ये बैक्टीरिया बच जाता है। और चौथा, इसमें रेजिस्टेंस डेवलप करने की एक्सीलेंट एबिलिटी पाई जाती है। ड्रग दोगे तुरंत रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट में डेवलप कर लेता है, तो और अधिकतर ड्रग्स के लिए कर लेता है, इसलिए हम इसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी MDR कहते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि कोई भी ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आ रहे हो उसको ठीक किया जा सके और रेजिस्टेंस के एमरजेंस को हम रोक सकें जब हम थेरेपी का पूरा कोर्स चला रहे हैं, इसलिए हम इसमें दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स देते हैं। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिस्पॉन्स है कीमोथेरेपी के लिए वो भी काफ़ी स्लो है, मतलब इसका ट्रीटमेंट स्लो चलता है, इसलिए हमारे को महीनों से लेकर के साल तक जो है दवाइयाँ देनी पड़ रही होती है। डिपेंड कर रहा है कौन से ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग महीनों से लेकर सालों तक इसकी थेरेपी जो है वो चल सकती है। अब हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल यूटिलिटी के बेसिस पर हम एंटी टीबी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ड्रग्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी रखती है और लो टॉक्सिसिटी होती है, जबकि सेकेंड लाइन लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी है पर उसकी हाई टॉक्सिसिटी होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग की क्या खासियत है, एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है पर टॉक्सिसिटी उसमें कम होती है। रूटीनली इसके अंदर हम जो ड्रग्स लेते हैं वो HRZES है। HRZES मतलब आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायरसिनामाइड, इथामब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाम रट्टा मार लीजिए, फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायरसिनामाइड, इथामब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन की ड्रग जिसकी एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी कम होती है पर टॉक्सिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसरिन, कैनामाइसिन, एमिकोसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ऑफ्लोक्सेसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन नाम की ड्रग्स आती हैं सेकेंड लाइन के अंदर। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स का जो हमने नाम लिया है, सबसे पहले आइसोनियाजिड एक आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राइजिड है, मोस्ट एक्टिव है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है ट्यूबरकल बेसिलाई के अगेंस्ट में। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने आपको बता दिया, जो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है वो बैक्टीरियोस्टैटिक और जो बैक्टीरिया को किल कर देता है वो बैक्टीरियाइडल। ये ए टिपिकल माइकोबैक्टीरियल स्पीसीज़ के अगेंस्ट में लेस इफेक्टिव होता है, मैक्रोफाज में पेनिट्रेट करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो चाहे इंट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो,
दोनों के अगेंस्ट में बहुत एक्टिव माना जाता है आइसोनियासिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका और रेजिस्टेंस का बेसिस देखिए भाई, ये कैसे अपना एक्शन दिखाती है और कैसे रेजिस्टेंस इससे डेवलप होता है। तो ये माइकोबैक्टीरिया का नाम, जो माइकोबैक्टीरिया पड़ा वो क्यों पड़ा, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देती है ये ड्रग आइसोनियासिड जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के माइकोलिक एसिड जो कि सेल वॉल का एसेंशियल कॉम्पोनेंट है उसके सिंथेसिस को रोक देती है। और इसीलिए माइकोबैक्टीरिया के लिए हाईली सेलेक्टिव होती है। रेजिस्टेंस क्या है, ये एक इट्स प्रोड्रग, इसकी प्रोड्रग जो कि एक्टिवेट होता है एंजाइम कैटेलाइज परऑक्सीडेज के द्वारा। म्यूटेशन हो सकता है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता दूसरे एंटीट्यूबुलर ड्रग के साथ, ऑलवेज ये हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, आइसोनियासिड अकेली नहीं दी जाती। इसकी फार्माकोकाइनेटिक ये जीआईटी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है और सभी बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज़ में भी ये रेडीली डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, अभी एसिटाइलेशन वाला पॉइंट आपका कोई खास काम का नहीं, आप छोड़ सकते हैं। लीवर में एसिटाइलेट हो जाती है मतलब लीवर में मेटाबोलाइज होती है, इस लाइन को सिर्फ इतना सा लिख लीजिए, ये लीवर में मेटाबोलाइज होती है। एक घंटे की हाफ लाइफ होती है फास्ट एसिटाइलेटर अगर उसमें जुड़े हैं, और अगर स्लो एसिटाइलेटर जुड़े हैं तो 3 घंटे की हाफ लाइफ होती है। यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है, पर रीनल फेलियर के साथ में कोई खास लिंक इसका नहीं है। पर किसी को अगर सीवियर हिपैटिक इनसफिशेंसी है तो उसको ये दवाई नहीं देनी चाहिए। क्लिनिकल यूज़, टिपिकल इसकी डोज जो आइसोनियासिड की है वो 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दी जाती है, या 5 से लेकर 10 mg दे सकते हैं सीवियर इन्फेक्शन के केस में। और अगर आप 15 mg पर केजी डोज दे रहे हैं तो ट्वाइस वीकली इसको दे सकते हैं आप। एडल्ट डोज में 300 mg ओरल डोज, पारिडॉक्सन 25 से 50 mg पर डे के हिसाब से। प्री डिस्पोजिंग न्यूरोपैथी अगर किसी को है तो आइसोनियासिड के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए अपन पारिडॉक्सन इसमें प्री डिस्पोजिंग दे सकते हैं। पेरेंट्रली भी सेम डोज को अपन दे सकते हैं। लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस किसी को है तो 300 mg पर डे आप दे सकते हो, और या फिर 900 mg ट्वाइस वीकली दे सकते हो 9 महीने तक। अगर कोई डेली नहीं लेना चाहता तो 900 mg ट्वाइस डेली देना है। आइसोनियासिड के एडवर्स रिएक्शन क्या है, डोज पे डिपेंड करती है और कितने समय तक उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगी एडवर्स रिएक्शन। जैसे ये इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन करती है, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस में पर्सन को फीवर चढ़ता है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, ड्रग की वजह से सिस्टमिक ल्यूपस एराइथोमैटोसिस हो जाता है ऐसा देखा गया है। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी में क्लिनिकल हेपेटाइटिस कॉज कर देता है जिसमें भूख नहीं लगेगी पर्सन को, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, और जॉन्डिस क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम है ना तो जॉन्डिस भी हो सकती है। हेपेटाइटिस का रिस्क ज़्यादा रहता है उन इंडिविजुअल्स में जो अल्कोहल डिपेंडेंट होते हैं, या प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम पीरियड में अगर ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो हेपेटाइटिस का डर ज़्यादा रहता है। अब डाइट एडवर्स रिएक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है जिसमें पर्सन में माल न्यूट्रिशन हो सकता है, अल्कोहलिज्म जिन लोगों में रहता है उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। माल न्यूट्रिशन जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, डायबिटीज रहती है, एड्स या यूरीमिया हुआ है उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का डर रहता है। रिलेटिव पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर पैराडॉक्सिन का एक्सक्रीशन प्रमोट कर दिया जाए। बस ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी ये कॉज कर देता है, हालांकि बहुत कम है, पर इसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है और पर्सन को दौरे पड़ सकते हैं। दूसरी ड्रग है रिफैम्पिन, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफैम्पिसिन का, नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमारे को मिलता है। इन विट्रो ये एक्टिव है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों कोकाई के अगेंस्ट, एंटेरिक बैक्टीरिया के लिए भी, माइकोबैक्टीरिया और क्लेमाइडी के लिए भी। बस इतना बहुत है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो नीचे के पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिए इतना ज़्यादा डिटेल, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस क्या है, ये बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उससे बन जाती है, जिससे कि उसका आरएनए बन नहीं पाता बैक्टीरिया का।
यानी माइकोबैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाती है, टिश्यूज़ में तेज़ी से पेंट्रेट कर जाती है, फेगोसाइटिक सेल के अंदर भी पेंट्रेट कर जाती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। बस म्यूटेशन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक ओरल देने पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, लीवर से बाइल में एक्सक्रीट हो जाती है, एंटीरो हिपैटिक रीसर्कुलेशन इसका देखने को मिल रहा होता है, तब ये इसका मेटाबोलाइट फीसिस के साथ में एक्सक्रीट आउट होता है और थोड़ा बहुत यूरिन के साथ होता है। डोज को थोड़ा अपन को एडजस्ट करना पड़ जाता है, रीनल या हिपैटिक इनसफिशेंसी अगर किसी को हो रही हो तो देखने को मिल रहा होता है, अदरवाइज कोई खास इसका रोल नहीं है। क्लिनिकल यूज़ 10 mg अपन 6 महीने तक दे सकते हैं आइसोनियाज़िड के साथ में या दूसरी एंटीट्यूबिकुलर ड्रग्स के साथ में। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन या लेप्रसी हुआ है तो उसमें भी अपन दे सकते हैं 600 mg ट्वाइस दे सकते हैं मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन के केस के अंदर। 20 mg प्रोफाइलैक्सिस अगर बच्चों का आपको करना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिसीज़ के लिए या सीरियस स्ट्रेफेलोकोकल इन्फेक्शन हुआ है जैसे ऑस्टियोमायलाइटिस या प्रोस्टेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, अपन ये ड्रग दे सकते हैं। एडवर्स रिएक्शन साइटोक्रोम P450 आइसोफोम के साथ में देखने को मिल रही है, मीथाडोन, एंटीकोगुलेंट, साइक्लोस्पोरिन वगैरह का एलिमिनेशन ये कॉज कर देती है। कुछ एंटी कन्वल्सन ड्रग्स वगैरह भी ये सब के सब इसके वजह से एलिमिनेट होने लग जाते हैं। इसके अलावा ये हार्मलेस ऑरेंज कलर देती है यूरिन में, स्वेट में और टीयर के अंदर। ये थोड़ा सा आप नोट करके रखिए क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आइसोनियासिड वगैरह जैसी ड्रग्स अगर कोई ले रहा होता है उसके यूरिन का कलर ऑरेंज या रेड क्यों होता है, तो वो इसका खुद का मेडिसिनल कलर ही ऐसा है और उसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, हार्मलेस कलर होता है। ये कोई पेशेंट भी पूछे तो आप उसके जवाब दे सकते हैं। ओकेजनल इसके एडवर्स इफेक्ट में रैशेस हो जाते हैं, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्टैटिक जॉन्डिस देखने को मिल रहा होता है और हिपेटाइटिस भी देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया लंबे समय तक रहने लगता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम में फीवर चढ़ेगा, कमी छूटेगी, माइल्जिया, एनीमिया और प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग है इथाम्ब्यूटॉल, ये सिंथेटिक ड्रग है, वाटर सॉल्यूबल, हीट स्टेबल कंपाउंड होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकता है, किल नहीं करता उसकी ग्रोथ को रोकता है और स्पेक्ट्रम को भी कन्वर्ट करता है पर स्लो रेट के अंदर। रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है ये ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये माइकोबैक्टीरिया में आर्बिनोसिल ट्रांसफिरेज को रोक देता है जो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल का ही कॉम्पोनेंट होता है। रेजिस्टेंट टारगेट जीन की बदल जाने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बाकी कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता। बस फार्माकोकाइनेटिक गट में एब्जॉर्ब हो जाता है 20% फीसिस में और 50% यूरिन में बिना चेंज हुए एक्सक्रीट आउट होती है। ट्रिपल बी को क्रॉस करती है केवल तब जब ब्रेन की मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हुआ है तब ही करेगी, नहीं तो नहीं। टेम्परली आरबीसी में थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, हाफ लाइफ 4 घंटे की होती है। रीनल फेलियर के पेशेंट को सावधानी रखनी चाहिए इस मेडिसिन पे। क्लिनिकल यूज़ इथाम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोरिक को 15 से 25 mg पर केजी पर डे के हिसाब से आप दे सकते हो। हायर डोज अगर ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस किसी को हो गया है यानी ये स्प्रेड कर गया है, टीबी दिमाग में चला गया है, वर्टिब्री में चला जाता है, तब ये देने को देनी होती है, या फिर 50 mg आप ट्वाइस वीकली दे सकते हो। एडवर्स रिएक्शन रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस कॉज हो जाता है, तो आपको 25 mg पर केजी पर डेली कंटिन्यूड सेवरल मंथ तक लेते हैं तब ऐसा होता है, जिसमें लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी देखने मिलता है, रेड ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस हो जाती है पर्सन में। 15 mg पर केजी दे रहे हो तो या उससे कम दे रहे हो तो विजुअल डिस्टर्बेंस बहुत रेयरली देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बहुत छोटे बच्चों के अंदर ये नहीं देनी चाहिए, नहीं तो विजुअल एक्यूटी हो जाएगी और वही कलर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइराज़िनामाइड, निकोटिनामाइड के रिलेटिव हैं ये भी, स्टेबल और स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, न्यूट्रल पीएच पे इनएक्टिव रहती है, 5.5 पर ये ट्यूबरकल बेसिलाई को मार देती है, इनहिबिट कर देती है। मैक्रोफाज के अंदर भी ले ली जाती है,
और उसकी एक्टिविटी पर ये अपना असर डालती है। ये हाईली इफेक्टिव होती है पहले 2 महीने वाली थेरेपी के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं डॉट्स का तो 6 महीने तक थेरेपी चल रही होती है, तो पहले 2 महीने में ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैकेनिज्म एक्शन में ये पायराजिनामाइड पायराज़ियोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है माइकोबैक्टीरियल पायराजिनामाइड डेज एंजाइम के द्वारा, और उसकी सेल मेम्ब्रेन को ये डिसरप्ट कर देगी, सेल मेम्ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को और ट्रांसपोर्ट के फंक्शन को। रेजिस्टेंस इम्पेयर्ड अपटेक्स ऑफ पायराजिनामाइड, रेजिस्टेंस अगर हो गया तो पायराजिनामाइड का अपटेक इम्पेयर्ड हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है एंजाइम में, तब इसकी फॉर्म्स ये कन्वर्ट नहीं हो पाती, फार्माकोकाइनेटिक जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड टिश्यू में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में भी चली जाती है हाफ लाइफ 8 से 11 घंटे, लीवर में मेटाबोलाइज होगी, रीनल मेटाबोलाइज होगी, कोई क्रॉस रेजिस्टेंस इसका नहीं होता। क्लिनिकली फ्रंट लाइन की ड्रग है टीबी के लिए रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड के साथ में, नॉर्मल 40 से 50 mg/kg अपन थ्राइस देते हैं वीकली, या फिर ट्वाइस भी दे सकते हैं 6 महीने के लिए अगर अपन दे रहे होते हैं तो। इसके अलावा हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्स या क्रिएटिनिन क्लियरेंस वाले में अपन को 30 ml/min के हिसाब से इसका क्लियरेंस हो रहा है, 25 से 35 mg/kg उस केस में अपन को देनी है 3 times weekly, डेली नहीं देनी। एडवर्स लीवर पे नुकसान कर रहा होता है इंडिया में स्पेशली, नोजिया वॉमिटिंग ड्रग की वजह से फीवर और हाइपर यूरिसी में देखने को मिलता है, इसे लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट में यह ड्रग नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसका ये पार्ट है, फर्स्ट क्लिनिकली यूज फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है भाई, ये ध्यान रखिएगा, पर आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन के से ये लेस इफेक्टिव है, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई पर ही अपना एक्शन दिखाती है, मतलब मैक्रोफाज वगैरह के अंदर घुस गया तो ये कोई असरदार नहीं है दवाई सेल के अंदर, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पुअर है, ट्रिपल बी को भी क्रॉस नहीं करती, पर ट्यूबरकुलर एक्टिविटीज़ को ये आराम से पेनिट्रेट कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इरिवर्सिबली उसको ये रोक देती है, बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरिया को मार देगी, सेल के अंदर ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक राइबोसोमल प्रोटीन के साथ में, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है एडिनाइलेशन को इनएक्टिवेट करने के बाद, सेल में एंट्री जिससे इम्पेयर्ड हो जाती है और म्यूटेशन वगैरह हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक ये एब्जॉर्ब वेरी पुअरली, इंटैक्ट जीआईटी के अंदर बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन इसका दिया जा सकता है या फिर इंट्रावीनसली 30 से 60 मिनट इन्फ्यूज़न इसका करना होता है। हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे है, पर रीनल फेलियर के पेशेंट में ये 24 से 48 घंटे हो जाती है। क्लिनिकल यूज, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग्स, इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन में दूसरे ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो गया तो ये काफ़ी यूज़फुल है, 20 से 40 एमजी एडल्ट में देनी है, कई हफ्तों तक देनी होती है, 1 से 1.5 ग्राम 2 से 3 times weekly आपको देनी है कई महीनों के लिए। दूसरी ड्रग्स आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में इसमें देनी होती है ताकि रेजिस्टेंस का एमरजेंस ना हो। नॉन ट्यूबरकुलर स्पीसीज जो माइकोबैक्टीरिया की है जैसे एवीएम वगैरह, उसमें भी रेजिस्टेंट डेवलप करवा देती है, तो डोज को हमारे को हाफ करके देना पड़ता है, अगर कोई हीमोडायलिसिस का पेशेंट होता है तो डोज आप जस्ट हाफ कर दीजिए। एडवर्स रिएक्शन में ये ऑटोटॉक्सिक रहती है, मतलब नुकसान कर रही है कानों के लिए, ऑटोटॉक्सिटी कॉज कर देगी, नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, रीनल के लिए भी हार्मफुल है ये। इसके अलावा डोज वर्टिगो इसमें देखने को मिल रहा होता है, चक्कर आने लग जाएंगे पर्सन को, हियरिंग लॉस अगर एडवर्स इफेक्ट इसका कॉमन है, या परमानेंट हियरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। डोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें, डोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी अगर रिस्क बढ़ रहा है तो, एल्डर पर्सन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तब हमारे को थेरेपी जो है वो लिमिटेड करनी पड़ती है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो दीजिए, अदरवाइज़ नहीं दीजिए। इसके साथ आपकी फर्स्ट लाइन के ड्रग्स यहाँ पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट हम सेकंड लाइन के ड्रग्स टीबी में पढ़ेंगे। सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर
ये केवल तब कंसीडर की जाती है जब फर्स्ट लाइन एजेंट्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है या क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा किसी कन्वेंशनल थेरेपी के लिए, या सीरियस ट्रीटमेंट चाहिए लिमिटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए। तो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही हम देखते हैं टू डील विद टॉक्सिक इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत है टॉक्सिक इफेक्ट की, तो हम पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसरिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ऑफ्लॉक्सिसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे ड्रग्स दे सकते हैं। अब पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चरल एनालॉग है ये पाबा का, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का, टीबी बैक्टीरिया के लिए हाईली स्पेसिफिक है पर दूसरी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये आइसोनियाजिड के साथ में दी जाती है, ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट है ये एक, ये हिपैटिक एसिटाइलेशन को, आइसोनियाजिड के हिपैटिक एसिटाइलेशन को ब्लॉक कर देता है जिससे कि फ्री आइसोनियाजिड लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा असर दिखाएगी। इसके अलावा MDR ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए लिमिटेड होती है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस आया था ना ये नाम पहले भी, इसके यूज़ को रोक देना चाहिए अगर प्राइमरी रेजिस्टेंस है, पुअर कंप्लायंस आ रही है GI इंटॉलरेंस की वजह से या ल्यूपस जैसी रिएक्शन दिखाई दे रही है तो ये डिसकंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट इथियोनामाइड केमिकली आइसोनियाजिड के जैसी है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकती है, वाटर सॉल्युबल नहीं है और ओरल फॉर्म में ये अवेलेबल है। 15 mg डोज इनिशियली दे सकते हैं, 250 mg वंस डेली, बाद में 250 mg अपन बढ़ा करके भी दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं डोज। इंटेंस गैस्ट्रिक इरिटेशन या रियोलॉजिकल सिम्टम दिखाई दे रहा है या हिपेटोटॉक्सिक है तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैप्रियोमाइसिन, ये पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमारे को मिली थी, डेली इंजेक्शन इसका 15 mg पर kg पर डेली इंट्रा मस्कुलरली आपको देना है, IM देंगे। ट्रीटमेंट ड्रग रेजिस्टेंट TB के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्यूलर स्ट्रेन के लिए अच्छा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन अमिकासिन के लिए जो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है उसके लिए कैप्रियोमाइसिन काफ़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है। नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक ये होती है जिससे कि कानों में घंटियाँ बजने लग जाएगी, बहरापन आ सकता है, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये लोकल पेन कॉज करती है जहाँ पर ये आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर रहे हैं और उसी जगह पर पस भी पड़ सकता है, स्टाइल एब्सेस भी हो सकता है। नेक्स्ट है साइक्लोसरिन, ये भी बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने को रोक देगा, 0.5 से 1 ग्राम पर डे आप दे सकते हो ओरल डोज में डिवाइड करके। रीनली क्लियर हो जाती है, डोज रिड्यूस होकर के रिड्यूस टू हाफ इन द केस ऑफ रीनल डिसफंक्शन, अगर किसी को रीनल डिसफंक्शन है तो आप इसकी डोज को जस्ट हाफ कर दीजिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन है, डिप्रेशन साइकोटिक रिएक्शन जैसी चीज़ें देखने को इसमें मिल सकती है। पैराडॉक्सिन 150 mg पर डे के साथ में दी जाती है। नेक्स्ट कैनामाइसिन और एमिकासिन TB के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड अगर है, ऐसा लग रहा है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या नोन टू बी कॉज बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, आपको पता है कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन का रेजिस्टेंस है उस बैक्टीरिया या MDR है तो आप ये दे सकते हो। कैनामाइसिन ज़्यादा टॉक्सिक है कंपैरेटिवली, प्रिवलेंस अमिकासिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन बहुत कम देखने को मिलता है, ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, 15 mg पर kg ये इंट्रावीनसली इन्फ्यूज की जाती है, क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमिकासिन के बीच में पर कैनामाइसिन के साथ हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन में हमेशा दी जाती है किसी एक के साथ में या फिर 2 या 3 ड्रग्स के साथ में भी अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन, जो अपन ने क्विनोलोन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, अपनी एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ में ही ये माइकोबैक्टीरिया को भी इनहिबिट करती है, ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी एक्टिव मानी जाती है। स्टैंडर्ड डोज सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 750 mg ओरली ट्वाइस डेली देनी है, लीवोफ्लॉक्सिसिन 500 से 750 mg वंस डेली, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन 400 mg वंस डेली ये देनी होती है। अब ये रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलर कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP
1997 इंडिया के अंदर गाइडलाइन दी गई है, ये खुद से देख लीजिएगा आप, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ये, समरी आप ज़रूर देख लीजिए, ये आपके काम की है, जो आपने ड्रग्स पढ़ी है समरी देख लेंगे तो उस सारी इसमें समझ में आ जाएगी। ये भी समरी है इन सब की, आइसोनियाज़िड वगैरह की, तो इसको आप आइसोनियाज़िड रिफैम्पेसन या रिफैमिसंस की, पैरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है कि भाई किसको किसके साथ में आप दे सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी भी आप जो है वो माइकोबैक्टीरिया के साथ में दे सकते हो। देखो निकोटिनिक एसिड के साथ में दिखाया गया आइसोनियाज़िड वगैरह का, आइसोनियाज़िड इथाम्ब्यूटॉल, तो कौन सा किसके साथ दिया जा सकता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी आप देख लीजिए। बस इसके बाद आपका ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो है यहीं पे ख़त्म होता है, ये क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।